मैं तुम्हारा हमेशा इंतजार करूंगा, हमेशा इंतजार करूंगा। चौबीस घंटे 365 दिन मैं तुम्हारे साथ ही स्पेंड करूंगा। हमारे प्यार का जन्मदिन हर साल धूमधाम से सेलिब्रेट करूंगा। या ओके, वी विल सॉर्ट इट आउट, राइट? ओके, थैंक यू, थैंक यू, आई विल गेट बैक टू यू लेटर, बाय। हैप्पी बर्थडे नयन, सॉरी डियर, लेट हो गया। वाओ, सुपर्ब केक, चलो सेलिब्रेट करते हैं। चेतन, हम ब्रेकअप कर लेते हैं। व्हाट? हाँ, ब्रेकअप कर लेते हैं। इस तरह घंटों घंटों इंतजार करना मुझसे नहीं होगा। मुझे लगता है इस इंतजार में मैं सोच सोच कर पागल हो जाऊंगी। ये क्या बोल रही हो नयन? 3 घंटे लेट हो गया, तुम्हारा फोन नहीं उठाया, इतनी सी बात के लिए कोई ब्रेकअप करता है क्या? अभी का ठीक है, पर लास्ट 6 मंथ से मैं देख रही हूँ, कभी भी टाइम पर नहीं आते हो, कोई भी काम टाइम पर नहीं करते हो। पर आज के दिन का इम्पोर्टेंस तो जानते हो ना? इट्स माय बर्थडे, और इसके अलावा अपने प्यार का जन्मदिन भी है, ये तो जानते हो ना तुम, फिर भी लेट है। तो तुम कहना क्या चाहती हो? मैं जानबूझ के लेट आया हूँ? बच्चों जैसी बात मत करो, थोड़ा मैच्योर होकर सोचो। मैं नहीं सोच सकती हूँ, मुझ में मैच्योरिटी नहीं है, वैसे भी उसकी जरूरत भी नहीं है। यही नहीं, मुझे तुम्हारे अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए, पहले वाला चेतन चाहिए, सरप्राइजेस देने वाला चेतन, सिर्फ मेरे लिए जीने वाला चेतन चाहिए। ऐसा है तो ठीक है, नहीं तो हम ब्रेकअप कर लेते हैं। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? आगे कुछ ना हो इसलिए, बिछड़ने वाले 90% लवर्स के साथ जो होता है वो हमारे साथ ना हो। मेरी दीदी जीजाजी हमसे ज्यादा प्यार करते थे, एक साल बहुत खुश थे वो, उन्होंने भी सेम तुम्हारी तरह किया, जॉब छोड़कर खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, और धीरे धीरे उनका भी टाइम पर घर पर आना बंद हो गया। रोज इंतजार करके दीदी ने एक दिन थक कर उनके साथ झगड़ा किया, दोनों के बीच बात बढ़ती गई, गुस्से में उन्होंने दीदी को मारा, दीदी बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने उसके बाद सुसाइड कर लिया। मुझे तो प्यार से ही नफरत हो चुकी थी, मैंने सोचा था जिंदगी में कभी किसी से प्यार नहीं करूंगी, ऐसे वक्त में तुम मेरी लाइफ में अचानक आ गए, मेरा सारा डर निकल गया। सारे लड़के एक जैसे नहीं होते ये सोचकर मैं तुमसे प्यार करने लगी, बट अब ऐसा लग रहा है कि तुम भी उन्हीं लड़कों के जैसे हो। धीरे धीरे ये सोचकर डर बढ़ता जा रहा है। जो हुआ उसके लिए कैसे रिएक्ट करूं ये भी नहीं जानता, लेकिन एक बात कह सकता हूं, मेरे जीते जी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, इस बात का मैं वादा करता हूं। तुमसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं, जो कुछ भी हो उसमें मेरी गलती है, और उसे सुधारना भी अब मेरी जिम्मेदारी है। उसके लिए मुझे बस एक मौका चाहिए, एक बेस्ट ट्रिप का प्लान करते हैं हम, हमारा सारा काम छोड़ के स्ट्रेस से दूर किसी अच्छी जगह पे अपना वक्त बिताते हैं, 5 दिन के लिए कहीं बाहर चलते हैं, और मैं इन 5 दिनों में हमारे बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर दूंगा। जो 6 महीने में नहीं हो पाया क्या वो 5 दिन में हो जाएगा? खुशी पाने के लिए एक पल भी काफी है, प्लीज एक चांस दे दो ना, प्लीज, ओके ना, प्लीज ना, प्लीज मान जाओ, प्लीज कहो ना, हाँ प्लीज नयन, मान जाओ ना प्लीज। देखो ठीक है, मान जाती हूँ, 5 दिन तुम्हारे साथ बाहर चलूंगी, बट यही लास्ट एंड फाइनल, ठीक है ना? ओके। क्या खाओगी तुम? मैं तो तुम्हें खाऊंगा। इडली? ओके, 2 प्लेट्स इडली। शिट, सब इडली खाने के लिए आते हैं यहाँ पे। मुझे तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? मन कर रहा है तुम्हें खा जाऊं। पहले तुम इसे खा लो, बाद में बाकी बातें सोचते हैं। तुम अपने हाथ से खिलाओ ना। ऐसा मत करो, सब देख रहे हैं। फिर वही बात, ये 5 दिन हम किसी और के लिए नहीं, अपने लिए आए हैं, हम अपनी मर्जी के हिसाब से चलेंगे,
अब तुम मुझे खिलाओगी तो ही मैं खाऊंगा, वरना नहीं। टपक रहा है, जरा देखना। अब मुझसे नहीं हो, मैं टॉयलेट जाके आता हूं। कोई मुझे काफी देर से घूर रहा है। कहाँ? बहुत इरिटेट कर रहा है। कोई तुम्हें देखेगा नहीं तो और क्या करेगा? ऊपर वाले ने बनाया है तुम्हें इतनी खूबसूरत, इसलिए तो हर कोई तुम्हें देखता है। तुम उन्हें अपनी तरफ खींच लेती हो। होटल अच्छा है ना? इटली भी बहुत अच्छी थी। क्या हुआ? लगता है मैंने किसी को ठोक दिया। ओह गॉड, आई एम सॉरी सर। क्या तुम ठीक हो? लगी तो नहीं? सॉरी यार, तुम अचानक से आ गए इसलिए। आगे पीछे देख लेना चाहिए ना। एक्सट्रीमली सॉरी यार। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? गोलकुंडा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं चल सकता क्या? ऐसी कोई बात नहीं है।